शिक्षा नीति 2020 का मुख्य केंद्र है ऑनलाइन शिक्षा। इसके आधार पर यह कहा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी शिक्षा के अंदर आने वाले बच्चों का औसत अनुपात 26% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टेंस लर्निंग के चलते। पर क्या मोदी जी और भारत सरकार को, भाजपा सरकार को यह मालूम है कि इससे देश में गरीब के बेटा और बेटी, मध्यम वर्गीय लोगों के बेटा और बेटी और अमीरों के बीच एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाएगा, जैसा कोरोना 19 में ऑनलाइन शिक्षा में हमने देखा कि वंचित वर्गों के गरीबों के 70% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि इस ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने से गांव और शहर के बीच भी एक नया डिजिटल खाई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इंटरनेट की सुविधा, स्पीड और कंप्यूटर की उपलब्धता न के बराबर है आज भी। तो ऐसे में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, मध्यम वर्गीय, साधारण परिवारों के बेटे और बेटियों का क्या होगा?